आदिपुरुष 2023 की भारत की माइथोलॉजिकल फिल्म है। यह आधारित है हिंदू महाकाव्य रामायण पर। यह फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है ओम राउत जी के द्वारा। इसको हिंदी, तेलुगु, तमिल जैसे 5 अदर लैंग्वेजेस में बनाया गया है, जिसमें लीड एक्टर है प्रभास, जो कि राम जी का रोल निभा रहे हैं, कृति शानन माता सीता का और सैफ अली खान रावण जी का रोल प्ले कर रहे हैं। अभी चलिए मूवी के कुछ हाइलाइट्स पर नजर डालते हैं। यह फिल्म 11 अगस्त 2022 इस डेट को रिलीज होने जा रही थी, लेकिन मूवी रिलीज होने से पहले ही फिल्म के ट्रेलर ने सबको चौंका दिया। इस मूवी के ट्रेलर में सीता माँ के सिर में मांग भरी नहीं थी, हनुमान जी की हेयर स्टाइल कुछ मॉडर्न सी लग रही थी। कई हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और इसमें चेंजेस लाने की बात की, और फिर एक साल बाद कुछ सीन रिपीट करने पड़े और डायरेक्टर को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। और 16 जुलाई 2023 को मूवी फाइनली रिलीज हो गई, और रिलीज होने के बाद भी मूवी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ऐसी योजना आखी इतिहास में पहले कभी ना देखा हो, जो होने जा रहा था, यानी हनुमान जी के लिए एक सीट रिजर्व थी। डायरेक्टर का मानना है जहां जहां रामायण का उल्लेख होता है हनुमान जी वहां प्रेजेंट होते हैं। और बाकी कुछ लोगों ने इस मूवी को बैन करने की मांग की, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि मूवी में इस्लामाइजेशन किया गया है, जैसे सैफ अली खान का लुक जो रावण कम अफजल खान ज्यादा लग रहा था। हाँ, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। रावण एक महान राजा था, सबसे बड़ा पंडित था, वेदों का ज्ञाता था, संगीत में भी कुशल था, पर मूवी का ये कैरेक्टर लोगों को अच्छा नहीं लगा। वेल, बाद में मूवी में थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन किया गया और लुक्स में भी थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले, पर इस बार मूवी का बजट जो कि 400 करोड़ पार हो गया। शुरू में ग्राफिक्स थोड़े डल लग रहे थे, वो भी अच्छे किए गए और एडवांस बुकिंग भी अच्छी खासी हुई थी। दोस्तों, मूवी वाकई में बहुत अच्छी है, आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। और दोस्तों, मूवी में कुछ सीन ऐसे भी है जहां आपको गूजबम्प्स आएंगे। फिर भी नेपाल गवर्नमेंट ने इस मूवी पर बैन लगा दिया है, और वो भी एक सीन को लेके। अगर 3 दिन के अंदर सीन में बदलाव होता है तो मूवी नेपाल में भी रिलीज हो सकती है। और दोस्तों, इस मूवी में कुछ बातें हैं जो शायद लोगों को पसंद नहीं आई। इस मूवी में रावण पुष्पक विमान की जगह ड्रैगन पर सवारी करते हैं। और दोस्तों, मूवी में हनुमान जी का लुक्स भी कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया है जो पहले कभी ना देखा गया हो। मूवी में हनुमान जी का लुक्स किसी भी एंगल से पौराणिक हनुमान जी से मेल नहीं खाता। युद्ध क्षेत्र में जब राम राक्षसों से लड़ रहे होते हैं तो ऐसा फील आता है जिसमें हॉलीवुड की कॉफी लग रही हो। वेल दोस्तों, फिर भी इतनी बड़ी बजट में बनी ये मूवी काफी दमदार है। मूवी में प्रभास ने जो एक्टिंग की है वो बहुत ही दमदार है, और सीता माँ की एक्टिंग भी काफी अच्छी है। वेल दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके।